आज्ञाकारी श्री राम। जब राजा दशरथ राम को राजगद्दी पर बिठाने जा रहे थे, तब सेविका मंथरा ने रानी केकई के मन को राम के प्रति कलुषित कर दिया था। राजा दशरथ ने केकई को दो वरदान दिए थे। केकई ने राजा दशरथ से पहला वरदान मांगा कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान था कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ अचंभित हुए और केकई से निवेदन करने लगे कि वे अपने मन को बदल लें, परंतु वे केकई को सहमत ना कर पाए। राजा दशरथ ने राम को बुलाया। राम अपने पिता के कक्ष में गए और देखा कि वे दुखग्रस्त हैं। राम ने दुख का कारण जानना चाहा। केकई ने उन्हें दशरथ के द्वारा दिए गए वचन के बारे में बताया। राम ने केकई को आश्वासन दिया कि वे अपनी माँ कौशल्या से मिलने के बाद उसी दिन 14 वर्ष के वनवास के लिए जाएंगे। श्री राम माता कौशल्या से मिले और मृदुता के साथ उनको सब बात बताई। यह सुनते ही माता कौशल्या अचेत होकर गिर गईं। चेतना आने पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, जिस प्रकार तुम्हारे लिए पिता पूजनीय हैं, उसी तरह मैं भी एक माता होने के नाते तुम्हारे लिए पूजनीय हूँ, इसलिए मैं तुमको वनवास जाने की अनुमति नहीं दूंगी। माता की सेवा में उपस्थित रहना ही सबसे उत्तम धर्म आचरण माना जाता है। यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तो मुझे असहनीय पीड़ा होगी, और जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक मैं उपवास करती रहूँगी। अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे कष्ट और मृत्यु का भार उठाना पड़ेगा और पाप के भागी हो जाओगे। यद्यपि कौशल्या ने स्पष्टतया राम को वनवास जाने से मना किया, परंतु भगवान राम माता पिता के परस्पर विरोधात्मक आदेशों से निपटने के लिए विवश थे। श्री राम ने माता कौशल्या को बताया कि राजा दशरथ केकई को 2 वरदान दे चुके हैं। यद्यपि केकई ने ऐसा करके पिताजी को ठेस पहुंचाई है, परंतु वे सत्य वचन का पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। पिताजी का आचरण धर्म के अनुरूप है, इसलिए उनके आदेशों का पालन करना केवल मेरा ही नहीं, माँ आपका भी कर्तव्य है। पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। पिता का आदेश धर्मानुसार है, इस स्थिति में पिता की आज्ञा का पालन कर वनवास जाना ही मेरे लिए उचित है। यह सुनकर माता सहमत हो गई, परंतु उनके साथ वनवास जाने की हट करने लगी। परंतु राम ने कहा, पिताजी एक तो केकई के कृत्य के कारण दुखित हैं, और इस स्थिति में उनका साथ छोड़ना आपकी क्रूरता ही होगी, क्योंकि वे इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। माता कौशल्या श्री राम की बातों से सहमत और प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्र धर्म तुम्हारी रक्षा करें, माता पिता की सेवा से अर्जित पुण्य वन में तुम्हारी रक्षा करें। माँ ने श्री राम को वनवास जाने की अनुमति दी, और इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्री राम ने माता कौशल्या को साष्टांग प्रणाम कर विदा ली। शास्त्रों का कथन है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यद्यपि कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब माता पिता की बात विरोधात्मक होती है, उस स्थिति में पिता की आज्ञाकारिता माता की अवज्ञा बन जाती है और माता की आज्ञाकारिता पिता की अवज्ञा। हम देखते हैं कि स्वयं भगवान राम को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इस नैतिक दुविधा में भगवान राम ने जो आज्ञाकारी संकल्प लिया वह सबके लिए शिक्षाप्रद है। अतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को आदर्श मानकर हमें माता पिता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए।